अगर आप लोगों का बजट अराउंड 20,000 रुपीज है और आप अपने लिए एक सबसे बेहतरीन टीवी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप लोग 20,000 रुपीज के बजट में मार्केट में टीवी लेने जाएंगे तो शॉपकीपर आप लोगों को 32 इंच स्क्रीन साइज का ही टीवी प्रीफर करेगा, या अगर इससे बड़ी स्क्रीन साइज का टीवी देगा तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम तक काम नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में एक से एक ब्रांड्स आ चुकी है। अभी 6 महीने में भी 2-3 टीवी की ब्रांड्स आई हैं जिनका टीवी आप खरीद सकते हो ऑनलाइन, लेकिन चला नहीं सकते हो। कभी उनका पैनल खराब हो जाएगा, कभी उनकी स्क्रीन में लाइन आनी शुरू हो जाएगी, या अगर वीडियो आप देखोगे तो आप लोगों को ये लगने वाला है कि 480 पिक्सल पे वीडियो क्यों चल रही है इस टीवी। तो मार्केट में ब्रांड्स ढेर सारी है, प्रोडक्ट्स भी ढेर सारे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन जहां पर बात आती है बजट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को 20,000 रुपीज के अंदर 32 इंच नहीं बल्कि 40 और 43 इंचेस के टीवी बताने वाले हैं। ऐसे टीवी बताने वाले हैं जो 20,000 रुपए में आप लोगों के लिए काफी बढ़िया तरीके से काम करेंगे। आप लोग इन ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, अच्छी से अच्छी वारंटी आप लोगों को मिल जाएगी और डिस्प्ले क्वालिटी में, स्क्रीन में कोई भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड प्रशांत चौधरी, यू आर वाचिंग प्रोडक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक चीज मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं कि इन सभी टीवी को सिलेक्ट करने से पहले हमने खास करके ध्यान रखा है इनकी डिस्प्ले क्वालिटी का, इनके प्रोसेसर का, इनकी साउंड क्वालिटी का, इनमें जो कनेक्टिविटी मोड्स आप लोगों को मिलते हैं उनका, एंड्रॉयड ऐप्स का, इनकी वारंटी का और आफ्टर सेल सर्विस ब्रांड की कैसी है इस चीज का। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर करे हैं। अब एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। 5 टीवी में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं अंडर रुपीज 20,000। उसके बाद में जो आप लोगों का मन चाहे वो आप लोग ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं भाई नंबर 5 पर आने वाले टीवी की, और ये होने वाला है नन अदर देन एसर ब्रांड की तरफ से आने वाला 40 इंच आई सीरीज एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। अब एसर की तरफ से डेफिनेटली 40 इंच ही नहीं 65 इंच तक भाई बहुत कमाल के गूगल टीवीज आ रहे हैं एसर की तरफ से। पहले तो एसर बेसिकली लैपटॉप्स वगैरह बनाता था, लेकिन अभी जो एसर के टीवी आ रहे हैं मार्केट में बेस्ट इन द सेगमेंट, बेस्ट एट बजट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये टीवी आप लोगों को काफी कम बजट में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ खास फीचर्स हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस टीवी पे आप लोगों को मिलती है 4.3 की रेटिंग, 16.7 मिलियन कलर्स 40 इंच की डिस्प्ले में विद वाइड कलर गैमेट, और इसमें आप लोगों को हाई फिडेलिटी स्पीकर मिल जाते हैं विद डॉल्बी ऑडियो। जी हाँ, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, वो भी इस बजट में। क्यों? क्योंकि हम है ना, और हम आप लोगों के लिए ऐसे कमाल के प्रोडक्ट्स ही लाते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को अभी से लाइक करो। इसमें आप लोगों को इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबिलाईजेशन सिस्टम मिल जाता है जिससे आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी काफी बेहतरीन मिलती है, और HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा विच गिव यू हाई डायनेमिक रेंज। अब मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है टीवी को आप सामने से देखो तो टीवी आपको दिख जाए, लेकिन साइड से आप टीवी को देखो तो आप लोगों को टीवी ना दिखे, उसके कलर्स ड्रॉप हो जाए। वो केस इस टीवी में नहीं होगा बिकॉज इट हैज IPS डिस्प्ले पैनल जो कि आप लोगों को 300 nits की ब्राइटनेस प्रोवाइड कराता है। काफी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है फॉर सच अ पैनल, वो भी 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ एंड 6 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम के साथ। दोस्तों ये टीवी आप लोगों को 2 स्पीकर्स के साथ में मिलता है, टोटल इसमें आप लोगों को 30W के साउंड आउटपुट मिलती है। बट एसर ब्रांड ऐसी है कि कोई भी टीवी आप लोग कंसिडर करो साउंड आप लोगों को जबरदस्त मिलेगी। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स के सभी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं जो आप लोगों को अपने डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा इस टीवी आप लोगों को 1.5GB RAM मिल जाती है with 16GB of storage और Android 11 पे टीवी basically based है। दोस्तों ये टीवी आप लोगों को 1 साल की वारंटी के साथ में मिल जाता है और आज की डेट में इसका प्राइस होने वाला है 19,000 रुपीस। अब एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूंगा, जितने भी टीवी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सभी कभी इनका प्राइस कम हो जाता है, कभी इनका प्राइस ज्यादा हो जाता है। अगर सेल के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे तो हो सकता है और कम हो जाए, अदरवाइज प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। उसके लिए इन सभी टीवीज के बेस्ट बाय लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इन टीवीज को चेकआउट कर सकते हो या परचेज भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना, पहले इस वीडियो को पूरा देखो, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, उसके बाद में आप लोग कोई भी टीवी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट टीवी की, और ये भी एक काफी स्पेशल टीवी होने वाला है, रेडमी की तरफ से आने वाला एंड्रॉइड 11 सीरीज टीवी। दोस्तों ये भी एक कमाल का टीवी है एंड इट इज इन 43 इंचेस स्क्रीन साइज। अब रेडमी के बारे में आप लोगों को एक बात बताता हूँ, रेडमी ब्रांड बेसिकली आप लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया टीवी देती है, काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स देती है, कम आप लोगों को प्राइस मिलेगा लेकिन फीचर्स स्पेसिफिकेशंस ब्रांड लगभग सभी दे देती है, भले ही वो टीवी हो या मोबाइल। और अब तो रेडमी की आफ्टर सेल सर्विस में भी कोई इशू नहीं आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टीवी को 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने रेट कर रखा है, वो भी 4.5 की रेटिंग मिली हुई है इस टीवी में। तो कुछ बात तो यहाँ पर डेफिनेटली इस टीवी में आपको कमाल की मिलने वाली है। इस टीवी में आप लोगों को मिलते हैं 1.07 बिलियन कलर्स,
सही सुना, मिलियन नहीं बिलियन कलर्स विद 92% sRGB एंड 94% DCI-P3 कलर्स। तो कलर्स काफी ज्यादा बढ़िया है भाई। एलईडी टीवी है बेसिकली ये, और इसमें आप लोगों को VA पैनल मिलेगा। इस पैनल में आप लोगों को 300 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी मिल जाता है। अब टीवी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भाई ये, क्यों? क्योंकि इसमें दो स्पीकर्स मिलते हैं, सेम 30 वोट की साउंड आउटपुट मिलेगी, लेकिन नॉर्मल नहीं, डॉल्बी ऑडियो आप लोगों को मिलेगी। मतलब डॉल्बी एटमॉस का फायदा आप लोग घर बैठे बैठे इस टीवी से ले सकते। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स आप लोगों की डिस्प्ले पे फिलहाल दिख रहे होंगे। इसके अलावा इस टीवी में आप लोगों को 2GB रैम मिल जाती है और 16GB की स्टोरेज भी मिल जाती है। क्वाड कोर प्रोसेसर पे ये वर्क करता है, काफी स्मूथली वर्क करता है। एंड्रॉइड 11 पे बेसिकली ये बेस्ड है और सेम एक साल की वारंटी आप लोगों को इस टीवी पे मिलती है। इसका प्राइस होने वाला है आज की डेट में 20,000 रुपीज, बट 20,000 रुपए के अंदर ये कमाल का 43-inch टीवी आप लोगों को मिल जाता है विद 16GB रैम एंड 30W ऑफ साउंड आउटपुट, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो डेफिनेटली एक कमाल का ऑप्शन ही आप लोगों के लिए हो सकता है। इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अभी 3 ऑप्शंस और बचे हैं, इनको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में जो भी आप लोगों को पसंद आए मुझे भी बताना नीचे कमेंट करके कि कौन सा पसंद आया अंडर दिस बजट। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि 43-inch टीवी तो आप लोगों को 50,000 तक भी मिल जाता, बट हमने ये वीडियो एक बजट को स्पेसिफिक रखते हुए रखी है। तो 20,000 के अंदर जो बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं इंडिया में आज की डेट में, वे आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चलने वाले। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन जो कि आता है नंबर 3 पर, एंड ये भी भाई एक कमाल का प्रोडक्ट है, कोडाक ब्रांड की तरफ से आता है, कोडाक के कैमरे आया करते थे। और इस टीवी पे 43-inch स्क्रीन साइज में आप लोगों को 11,000 प्लस रिव्यूज एंड रेटिंग मिल जाती है, जिसमें 4.2-star रेटिंग इस प्रोडक्ट को मिली हुई है। डेफिनेटली कमाल का प्रोडक्ट है भाई। 43-inch स्क्रीन साइज में A+ ग्रेड पैनल आप लोगों को मिल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, A+ ग्रेड पैनल बेसिकली टॉप नॉच पैनल होता है टीवीज में। इसके अलावा वाइड कलर गैमेट, अच्छे कलर्स और HDR10+ आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। 300 nits की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट विद 5 मिलीसेकंड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम कोडाक इस टीवी। इस टीवी में भी आप लोगों को 30W की साउंड आउटपुट मिलती है विद डॉल्बी डिजिटल ऑडियो। जिन लोगों को गाने सुनने का शौक है, सारे के सारे टीवी में स्पीकर्स बढ़िया है। इसके अलावा माली ग्राफिक प्रोसेसर आप लोगों को स्ट्रीम में मिलता है, 1GB की रैम मिलती है और 8GB की स्टोरेज मिल जाती है। यही रीजन था इस टीवी को नंबर 3 पे डालने का, अदरवाइज ऑप्शन ये बेहद कमाल का रहने वाला है। अगेन एंड्रॉइड 11 पे वर्क करता है, हर तरीके की एप्लीकेशन इन सभी टीवीज पे आप रन कर सकते। ये टीवी भी आप लोगों को 1 साल की वारंटी में मिलेगा और इसका प्राइस होने वाला है 19,500 रुपीज एज ऑफ नाउ। हो सकता है आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो उसका प्राइस 22,000 हो गया हो या 18,000 हो गया हो, उसके लिए लिंक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नंबर 2 पर आता है भाई OnePlus की तरफ से आने वाला 40-inch एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज, बिकॉज OnePlus के टीवी जब से मार्केट में लॉन्च हुए हैं तब से इन पे रिव्यूज रेटिंग फीडबैक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस टीवी पे भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने रिव्यूज दे रखा और ओवरऑल 4.2-star रेटिंग्स मिल रखी है इस टीवी को। OnePlus के टीवी में मुझे पर्सनली जो चीज सबसे अच्छी लगती है ना, वो लगता है इसका इंटरफेस। ये टीवी बहुत ही स्मूथली, बहुत शार्पली रन करता है, लैगिंग नहीं होती है इस टीवी में, और साथ साथ में डिस्प्ले क्वालिटी भी OnePlus काफी ज्यादा अच्छी देता है। कलर्स तो डेफिनेटली आप लोगों को कमाल के मिल ही जाते हैं, 93% DCI-P3 कलर्स मिल जाएंगे, 93% कलर गैमिट भी मिल जाता है, डॉल्बी ऑडियो प्लस सराउंड साउंड सपोर्ट मिलता है, वो भी ओशन क्रिस्टल क्लियर वॉइस के साथ में। मतलब सराउंड साउंड का फायदा उठा सकते हो घर पे बैठे बैठे। यही नहीं, OnePlus के हर एक टीवी में आप लोगों को गामा इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर क्वालिटी पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। जो पिक्चर क्वालिटी में नॉइज वगैरह होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कलर थोड़े से करेक्ट हो जाते हैं, इनहेंस हो जाते हैं, पहले से ज्यादा बोल्डर डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को आपके टीवी में देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से मान लीजिए आर्टिफिशियली कलर को इनहेंस करता है ये गामा इंजन। साथ साथ में AI पावर्ड विजुअल भी मिल जाते हैं। इसका मतलब भी यही सेम है कि AI के थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी डिस्प्ले क्वालिटी या जो भी आप कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे होंगे उसको इनहेंस करेगा ये टीवी। साथ साथ में इसमें आप लोगों को HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टीवी पे आप लोगों को 10-day रिटर्न पॉलिसी भी मिल जाती है। अगर मंगाने के बाद में टीवी पसंद नहीं आया तो आप लोग वापस कर सकते हो। इस टीवी में आप लोगों को 2 स्पीकर्स मिलते हैं जिनमें टोटल 20W के साउंड आउटपुट आप लोगों को मिलेगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 9.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, 1GB की रैम, 8GB ऑफ स्टोरेज, G31 MP2 पावरफुल 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर इस टीवी में मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी स्मूथली रन होता है। Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये बेस्ड है। इस टीवी पे आप लोगों को वही सेम 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन अच्छी बात ये है
कि एक साल की एडिशनल वारंटी आप लोगों को इस टीवी के पैनल पे मिल जाती है। मतलब बेसिकली पैनल पे ओवरऑल 2 साल की वारंटी हो गई। प्राइस इस टीवी का आज की डेट में तो 21,000 रुपीज़ है, लेकिन एज आई सेड कि प्राइस कभी कम कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है, उसके लिए इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके बेफिक्र होकर आप इसको खरीद लेना। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन और बचा है, एक बार उसको जरूर देख लीजिए। तो नंबर वन पर जो टीवी आता है भाई, ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये है आई फोल्कन की तरफ से आने वाला 43 इंच 4K टीवी। बिल्कुल सही सुना, 20,000 रुपए में 4K टीवी लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, वो भी 43 इंच स्क्रीन साइज में। हाँ, वैसे 43 इंच से कम में 4K आता भी नहीं है। खैर, ये टीवी भी भाई काफी बड़े ऑप्शन है। 43 इंच स्क्रीन साइज में 95% sRGB रेशो आप लोगों को मिल जाता है, 87% कलर गैमेट मिल जाता है, और HDR10+ का सपोर्ट इसमें भी आप लोगों को मिलेगा। रिच कलर एनहेंसर मिल जाता है, जो बेसिकली कलर को एनहेंस करता है। अब हर एक ब्रांड ने अलग अलग नाम दे रखे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, काम इनका सेम ही है कि भाई जो टीवी पे चल रहा हो, जो पिक्चर क्वालिटी हो थोड़ी सी बेटर आ पाए, सेम काम इसका भी है। 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगी, कलर्स डिसेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं, अच्छे कलर्स आप लोगों को इस टीवी में मिलने वाले हैं। माली 470 8000 MHz का प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाता है, जो कि फास्टेस्ट प्रोसेसर है इन द सेगमेंट राइट नाउ एक बजट के अंदर। इसके अलावा इस टीवी में आप लोगों को A+ ग्रेड पैनल दिया है, 60Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है, 9.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम दिया गया है, एंड 280 निट्स की ब्राइटनेस भी इस टीवी में मिल जाती है। डिसेंट ब्राइटनेस है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ज्यादा दे रखी है, बट एक डिसेंट ब्राइटनेस है 4K टीवी के लिए 43 इंच स्क्रीन साइज के लिए। क्योंकि ज्यादा बढ़िया बोलूंगा तो भाई फिर सोनी के टीवीज भी आते हैं 43 इंच 4K टीवी आप लोगों को काफी महंगा मिल जाता है, उसकी बात थोड़ी सी अलग होती है। बट फिर भी कंपेरेटिवली अगर बजट को देखें तो डेफिनेटली आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा इन टीवी को लेने से पहले। खैर, इस टीवी में आप लोगों को 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी टोटल साउंड आउटपुट होने वाली है 24 वोट की। डॉल्बी डिजिटल ऑडियो के साथ में आप लोगों को ये टीवी मिलेगा। सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स आप लोग अपने डिस्प्ले पर फिलहाल देख पा रहे होंगे, कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी बढ़िया दे रखे हैं ब्रांड ने। इसके अलावा 2GB की रैम आप लोगों को इसमें मिलती है, 16GB ऑफ स्टोरेज, एंड हर तरीके की एप्लीकेशन इस टीवी पे आप इजीली चला सकते हो। काफी बढ़िया ऑप्शन ये भी हो सकता है अगर आप लोगों को 43 इंच 4K टीवी चाहिए। ये टीवी आप लोगों को 1 साल की वारंटी के साथ में मिल जाता है, और आज की डेट में इसका प्राइस होने वाला है 20,000 रुपीज। अगेन, प्राइस थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये थे 5 ऐसे कमाल के टीवी जो 20,000 रुपए के अंदर आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। जरूरी नहीं है 32 इंच टीवी लेना, अब आप लोगों को पता है कि आप लोग 40 इंच भी ले सकते हो इसी बजट में, 43 भी ले सकते हो, एंड 43 इंच 4K टीवी भी ले सकते हो इन द सेम बजट। तो आई होप आप लोगों को ये ऑप्शंस अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हो तो यार मुझे बताओ, डू लेट मी नो इन द कमेंट, आप लोगों से बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। और इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो यार, लास्ट तक अगर आप लोग पहुंच गए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, लेकिन आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से हमें, मतलब ये मान के चलो, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड आई विल सी यू।